नमस्कार, मैं अरुण कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल सी के साथ। अब वक्त हो चला है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, अनंत अंबानी अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। वहीं राधिका मर्चेंट एंड कोर हेल्थ केयर के सीईओ वीरेंद्र मर्चेंट और उद्यमी शैला मर्चेंट की बेटी हैं। दो प्रमुख उद्योगपति परिवारों का मिलन 12 जुलाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बता दें बिहार के दो दिग्गज नेताओं को निमंत्रण गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, औरंगाबाद में टाटा से बक्सर जा रही बस में पुलिस ने अचानक रेड कर दी। मुस्लिफित थाना की पुलिस ने बस में घुसकर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस को जो मिला वे होश उड़ाने वाले नशीले पदार्थ थे। पुलिस ने मौके पर ही तस्कर शैलेंद्र सिंह, राजेश भगत और बस चालक को गिरफ्तार किया है। बस को भी जब्त कर लिया गया है। और अगली खबर आ रही मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दरबार में फरियाद लेकर आए एक वृद्ध ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वृद्ध जमीन पर कब्जे को लेकर कई वर्षों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा था। इस घटनाक्रम के दौरान लोग वृद्ध को बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगे। हालांकि डीएम के अंगरक्षक व अन्य कर्मियों ने आग बुझाई और घायल को अस्पताल में पहुंचाया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के नवादा से अजीबो गरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक सांप ने युवक को काट लिया, जिसके बाद उस युवक ने उसी सांप को दो बार काटा। आश्चर्य की बात यह है कि इस घटना के बाद सांप की मौत हो गई, वहीं युवक पूरी तरह से स्वस्थ है। इस घटना के बाद से इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उच्च कोटि के कार्य करने वाले व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों पैर गंवाने वाले कैमूर के लाल विभोर कुमार सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। वे 25 फरवरी 2022 को औरंगाबाद के नक्सलवाद ग्रस्त इलाके में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।